हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के रासायनिक नेम और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। मेन रतौंधी है जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जीरोप्थैल्मिया क्या होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है और इसका रासायनिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 रासायनिक नेम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3 नियासिन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा पर दाद होना या पेलेग्रा, ये वर्ड कई बार पूछा गया। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एम्ल एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि, मेंटल डिसऑर्डर। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया या त्वचा रोग। विटामिन B7 का रासायनिक नेम है बायोटिन। इसकी कमी से होने वाला रोग लकवा या शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B12 ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। साइनोकोबालामाइन। इसकी कमी से होने वाला रोग है अनीमिया या परनीशियस एनीमिया। अगर परनीशियस एनीमिया आती है तो वो विटामिन B12 की कमी से ही होती है, पेचिस रोग। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है या पांडु रोग। स्कर्वी रोग जो मसूड़ों से ब्लड वगैरह आने लगता है उसी को बोलते हैं, इसे नाभिक रोग भी कहते हैं। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नेम है विटामिन D कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऑस्टियोमलेशिया भी पूछ लिया जाता है जो बड़ों को होता है। विटामिन E टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग जनन शक्ति का कम होना या इनफर्टिलिटी। इसकी कमी से होने वाला रोग इनफर्टिलिटी, जिसे बांझपन कहते हैं। विटामिन K फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। की कमी से होने वाला रक्त का थक्का न जमना, जब रक्त क्लॉट होना, रक्त का थक्का न जमना। कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका रासायनिक नेम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से होने वाले रोग वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन E बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है, तो विटामिन E की कमी से। वैसे ही ऑस्टियोमलेशिया भी पूछ लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।